नमस्कार, जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पूजा और आपका स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम हेल्दी अंगस्थान में। दर्शकों, हेल्दी अंगस्थान के जरिए हमारी हर बार कोशिश रहती है कि हम आप तक हर तरह की बीमारी के बारे में जानकारी पहुंचाते रहें, उसके लक्षण, ट्रीटमेंट, हर किसी के बारे में हम आपको जानकारी दें। दर्शकों, अगर देखा जाए तो दिल हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर दिल धड़कना बंद हो जाए तो मानव शरीर रुक जाता है, और ऐसे में अगर दिल की बीमारी की बात करें तो हार्ट अटैक आजकल बहुत ही आम बीमारी है। आए दिन खबरें और ऐसी न्यूज़ आप सुनते रहते हैं कि किसी न किसी को हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन ये हार्ट अटैक क्यों आता है? क्या आपके खानपान की वजह से हार्ट अटैक जो है वो बढ़ गया है, या फिर किस तरह से इसके लक्षण है, क्या है इसका इलाज, आज हम जानेंगे डॉक्टर संजीव गेरा से, जो कि डायरेक्टर कार्डियोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से हैं, और इससे पहले वो BLK हॉस्पिटल और एस्कॉट हॉस्पिटल में भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल में। सर, जिस तरह से आज हम दिल के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और अगर देखा जाए तो आजकल जो हार्ट अटैक की बीमारी है वो आए दिन सुनने को मिलती है। ना सिर्फ अगर देखा जाए तो एक वक्त था जब एक एज के बाद हार्ट अटैक आता था, लेकिन आजकल यंग जनरेशन को भी हार्ट अटैक आने लग गया। आखिर हार्ट अटैक को हम किस तरह से समझें? बिल्कुल आपने ठीक बोला कि पहले हम लोग सोचते थे कि ये बूढ़े लोगों में आता है या जब ओल्ड एज होती है तब आता है हार्ट अटैक, बट आजकल जो पिछले 4-5 साल से हम लोग देख रहे हैं नया ट्रेंड कि कोई भी एज एग्जेम्प्टेड नहीं है इसमें। कोई भी, जैसे 20 साल के हम लोग हार्ट अटैक के साथ बच्चे देख रहे हैं, 25 साल के लोग आ रहे हैं, तो यंग लोगों में भी आ रहा है। पहले होता था कि केवल मेल्स में होता था, बट आजकल हमें औरतों में भी बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। तो हार्ट अटैक होता क्या है? हार्ट अटैक बेसिकली हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट एक ऑर्गन है, जैसे आपने ठीक बोला कि अगर हार्ट रुक जाए तो किसी भी पूरा शरीर ख़राब हो सकता है, शरीर चला जाता है, डेथ हो जाती है। तो हार्ट अटैक जब पड़ता है, जब हार्ट को, हमारे हृदय को खुद ब्लड रुकना बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब जिस एरिया में हार्ट की सप्लाई बंद हो जाती है तो उस एरिया में हार्ट अटैक पड़ जाता है। वो मेजर भी हो सकता है, माइनर आर्टरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह का ये कारण होता है हार्ट अटैक पड़ने का। अब हार्ट में ब्लॉकेजेस क्यों आती हैं? तो ब्लॉकेजेस आने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट कारण है वो जीवन शैली है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो हार्ट अटैक्स हैं ये प्रिवेंटेबल बीमारी है, वी कैन प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं, या कौन सी हमारी लाइफस्टाइल है, या कौन से फैक्टर्स हैं विच वी कॉल रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक। हार्ट डिजीज़ होने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स, हमारी जीन्स, हमारी अनुवांशिक जो हमें मिली हैं। तो अगर ये डेटा देखा गया है कि साउथ एशियंस में, खासकर इंडियंस में, हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट हार्ट डिजीज़, खासकर यंग लोगों में। तो जेनेटिक्स तो है ही, मतलब वी आर प्री डिस्पोज टू हैव हार्ट डिजीज़। हमारे पास फैक्टर्स हैं कि जो हमारे पास हमारे बाप दादाओं में थी बीमारी, वो लोगों में आगे चलती रहती है, अनुवांशिक जिसको बोलते हैं। अब जीन्स को मॉडिफाई किया जा सकता है अपनी लाइफस्टाइल से। पिछले 3-4 साल में, स्पेशली जब हमने कोविड के बाद देखा, हमारी स्टैटिक लाइफस्टाइल हो गई, स्टैग्नेंट बैठे हम घर में, घर से काम कर रहे हैं, खाना हमारा गड़बड़ हो गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो है हमारा ब्लड प्रेशर, जो हाई होने की वजह से हार्ट अटैक होते हैं, ब्लॉकेजेस आती हैं। फिर सबसे जो और एक और कारण है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आजकल, वो है प्री मेच्योर डायबिटीज़। शुगर की बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई है, यंग लोगों में बीमारी बहुत मिल रही है शुगर की। हॉस्पिटल में अगर 100 लोग एडमिट होते हैं हमारे, तो 50% जो लोग होते हैं हार्ट बीमारी के, वो डायबिटीज़ के होते हैं, शुगर की बीमारी के होते हैं। देन कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई मिलते हैं, स्पेशली जो जेनेटिक्स होते हैं। उसके बाद मोटापा, वज़न बढ़ता जा रहा है। अगर देखें, एक स्टडी भी हुई थी दिल्ली के स्कूलों में, जिसमें देखा गया हर चौथा बच्चा, पाँचवा बच्चा ओबीस था, ओबेसिटी थी। तो ये एक मोटापा कारण हो गया। मोटापा ही एक चीज़ है जो रूट कॉज है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से शुगर आएगी, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आएगा। उसके ऊपर से हमारी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, जैसे हम देखने में बहुत स्मोकर्स हैं आजकल, फीमेल स्मोक कर रही हैं। फिर यंगर जनरेशन, जो हम कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हम देख रहे हैं कि कितने लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो यंगर पॉपुलेशन अपने आप को बहुत इंडल्ज कर रही है ऐसी चीज़ों में, अपनी लाइफस्टाइल ऐसी ख़राब कर रहे हैं, स्टैटिक लाइफस्टाइल, बैठे हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। तो ये सारे के सारे जो कारण हैं, और स्ट्रेस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। आज की हमारी इतनी कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल हो चुकी है कि हम बहुत फास्ट भागे जा रहे हैं।
और हमारा खाना जो है हमारा खाना जंक फूड के ऊपर ज़्यादा है, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं हम, पैकेज फूड ज़्यादा खाते हैं, जितने भी आप फ्रोजन फूड खाते हैं, पैकेज फूड खाते हैं, उनमें बेसिकली हाई सोडियम डाइट्स होती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अल्टीमेटली फिर हार्ट के अंदर, हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस आने लगती हैं और फिर एक टाइम जब आता है जब नस पूरी बंद हो जाती है तो वो जो मरीज़ है वो हार्ट अटैक के साथ एमरजेंसी में। बिल्कुल सर, आपने यहाँ पर सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से हार्ट अटैक जो है आता है और क्या क्या इसमें जो है देखा जाता है कि किन किन लोगों को हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा आता है। लेकिन सर अगर हम बात करें तो लक्षण की होती है, एक शुरुआती लक्षण जो है हर बीमारी में पता लगता है। हालांकि हार्ट अटैक के बारे में भी बहुत बार सुना है कि आपको 2-3 अटैक पहले आ चुके होते हैं जिस पर आप ध्यान नहीं देते। लेकिन सर अगर आम जनता की बात करें, आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता है, आप अपने पेशेंट को बता भी देते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, आम जनता है, अक्सर उनको सीने में दर्द होता है तेज़ भागने की वजह से या किसी भी तनाव की वजह से उनको सीने में दर्द होता है, कई बार सर्दी जुकाम की वजह से होता है, जिसे वो इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर कोई आम आदमी है जिसको हार्ट अटैक जो है एक दो बार उसको अटैक आ चुके हैं तो वो कैसे समझे कि नॉर्मल पेन है या नॉर्मल उनको चेस्ट पेन है या फिर हार्ट अटैक का ये शुरुआती लक्षण है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बीमारी को पता करने के लिए, क्योंकि साइलेंट जो चीज़ होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, हमें लक्षण पता होने बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट अटैक एक टर्मिनल इवेंट है कि बाद में सबसे लास्ट में जाके हार्ट अटैक हुआ, टिपिकल छाती में चेस्ट पेन होगा, स्वेटिंग होगी, घबराहट होगा, जो लास्ट में जो वो हार्ट अटैक तब इवेंट होता है जब 100% आर्टरी बंद हो जाती है, वो नस बंद हो जाती है। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सिम्टम चल रहा होता है जिसको बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना एक तरह का पेन होता है, जब हम चलते हैं तो छाती में दर्द उठता है सेंट्रल चेस्ट में, और एंजाइना का पेन जॉ में भी हो सकता है, टीथ में भी हो सकता है, ईयर में हो सकता है, बैक में हो सकता है, समटाइम्स औरतों में देखा गया है कि पेट में हो सकता है जो गैस की तरह प्रेजेंट करता है। तो पहले एंजाइना शुरू होता है। तो कोई भी ऐसा दर्द जो आपको पहले तेज चलने पे नहीं था बट अब वो तेज चलने पे आ रहा है और जब आप रुक जाते हैं तो वो दर्द ठीक हो जाता है, या फिर सफोकेशन के साथ आ रहा है या स्वेटिंग हो रही है उसके साथ में, एयर हंगर हो रहा है, आपको मन कर रहा है कि इस दर्द के साथ मेरे को और ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसा पेन हार्ट की बीमारी की वजह से हो सकता है। और एंजाइना को अगर हम टाइमली ट्रीट कर लें, जिसमें हम कई सारी जो हमारे ट्रीटमेंट हैं, जो उपाय हैं, जैसे दवाइयां हैं, एंजियोग्राफी करते हैं ब्लॉकेजेस देखने के लिए, कुछ टेस्ट करते हैं इससे पहले, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट है, एकोकार्डियोग्राफी है, कई सारे टेस्ट होते हैं, अगर हम इस एंजाइना को एंजाइना की स्टेज पर रोक लें तो काफ़ी हद तक हम उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशन है उसको रोका जा सकता है। बट हार्ट अटैक अगर हम 1-2 घंटे के बाद हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर उसको ट्रीट करना, हार्ट का फंक्शन गिरता रहता है, फिर हार्ट फेलियर शुरू हो जाता है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसके बाद। कई बार होता है लोग साइलेंट, जैसे आपने बोला कि कई बार हार्ट अटैक पड़ते रहते हैं पीछे और पता नहीं चलता, तो इसको हम साइलेंट हार्ट अटैक्स बोलते हैं, जो शुगर के मरीजों में बहुत देखा जाता है। शुगर के मरीजों में एक बहुत अवेयरनेस, एक वार्निंग सिग्नल जो होता है नर्व्स की वजह से कि पेन आना, वो एक्चुअली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नर्व्स डेड होती है ऑलमोस्ट, स्पेशली जब हमारी शुगर अनकंट्रोल रहती है तो वो टिपिकल सिम्टम्स नहीं आते उसमें जैसे आने चाहिए, एंजाइना नहीं आएगा उसमें। तो ऐसे लोग गैस ले जाते हैं कि गैस हुआ है और वो साइलेंट हार्ट अटैक पड़ते रहते हैं, हमारे पास जब आते हैं ओपीडीज में दिखाने के लिए सांस फूलने के साथ, तो पता चलता है कि हार्ट का फंक्शन गिर चुका है और हार्ट की ब्लॉकेजेस पहले से थी और वो टर्मिनल स्टेजेस में आते हैं, तो इसको साइलेंट हार्ट डिजीज बोलते हैं, जो बहुत कॉमन मिली। बिल्कुल सर, आपने ये जिस तरह से बताया कि गैस की प्रॉब्लम, और देखा गया है कि हमारे जो खान पान में है, अगर ऑयली फूड हो गया और या फिर कुछ ऐसा लोग जो है खा लेते हैं जिसकी वजह से उनको गैस में जो है गैस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन लोग जो है उसको पकड़ नहीं पाते कि आखिर ये हार्ट की प्रॉब्लम उन्हें शुरुआती लक्षण आ रहे हैं या फिर ये गैस की प्रॉब्लम है, और इसी वजह से शायद वो एकदम से एकाएक जो मौत है या फिर डेड हो जाते हैं लोग, वो इसी वजह से हो जाते हैं। लेकिन सर अगर जिस तरह से अगर देखा जाए तो एक टेस्ट होते हैं, आजकल लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन लोग जो है अपना जो चेकअप है या मंथली चेकअप है जो करवाना होता है वो नहीं करवाते। लेकिन अगर हार्ट डिजीज के बारे में बात करें, हम हार्ट अटैक के बारे में बात करें, तो लोगों को किस तरह से इसके टेस्ट करवाने चाहिए और कैसे जाना चाहिए, कैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? या बिल्कुल सही आपने पूछा, हार्ट डिजीज़ को अगर हम पहले से पहचान लें, हम पहले से ढूंढ लें, तो इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है, मोर्टेलिटी बचाई जा सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन बचाया जा सकता है, क्योंकि हार्ट डिजीज़ सिंपल बीमारी नहीं है और ये एक तो घातक बीमारी है, दूसरा एक बड़ा कॉस्टली बीमारी है। अगर हम इसके इलाज पर आ जाएँ, सिंपल सा स्टेंट से शुरू करें, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 लाख से लेकर 3 लाख तक का इलाज होता है, सब लोग इंश्योरेंस करा नहीं पाते हैं, तो बेटर है कि हम इसको पहले से प्रिवेंट कर लें। और प्रिवेंट करने के लिए एक तो सिम्टम्स का अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया कि क्या सिम्टम्स हैं, आपको क्या तकलीफ आएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टेस्ट्स का, तो टेस्ट जो है
हम लोग तब बताते हैं, वैसे यूजली हम पहले बोलते थे कि 40 साल से जो आगे हैं, आगे के लोग हैं 40-45 साल से जो बड़े लोग हैं उनको हर साल अपना एक पैकेज टेस्ट कराना चाहिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल आना चाहिए, शुगर आना चाहिए, HbA1c जो होता है और साथ में डिफरेंट ब्लड टेस्ट हैं, ECG होना चाहिए, ट्रेडमिल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो TMT मशीन पर एक्सरसाइज करा के वॉक करा के कराया जा सकता है, एक एकोकार्डियोग्राम होता है जो हार्ट का इको होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम बोलते थे 40-45 साल से बाद आपको कराना चाहिए, बट अब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जब हम हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक्स इतने यंग लोगों में देख रहे हैं, 20 साल का, 22 साल का। हमारे पास पिछले हफ्ते एक लड़का स्मोकर जो थे आए थे हमारे पास हार्ट अटैक के साथ, तो किसी तरह मुश्किल से उनको बचाया गया। तो ऐसी कंडीशन में अब हम बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स मतलब अगर आप स्मोकर हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई था, या आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी थी कि जेनेटिक्स है कि आपके फादर को, मदर को, या आपके और जो सेकंड जनरेशन है जैसे मामा को, चाचा को, किसी को भी हार्ट अटैक पड़ा है, तो आप भी अपने टेस्ट कराइए। अब कोई एज कोई एक वो नहीं है कि 40 साल के बाद कराना है, हमें 20 साल के बाद भी करना है, बट अगर रिस्क फैक्टर्स है तो, और अपना BP को मॉनिटर करना है, आजकल ब्लड प्रेशर सबका बढ़ा हुआ है, 120-90 कॉमन रीडिंग मिलती है OPDs में हम देखते हैं, तो ऐसे में अपने को अपना सेल्फ इलाज मत कीजिए, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस मत लीजिए, केमिस्ट के पास जाके अपने डॉक्टर को, फिजिशियन को, कार्डियोलॉजिस्ट को कंसर्न करें, वो बताएंगे कि कौन से टेस्ट अब आपको ज़रूरत है। तो ये एक रूटीन होना चाहिए, स्पेशली जो पहले से डायबिटिक्स हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है या जिनको पहले हार्ट डिजीज़ हो चुकी है, तो उनको हर साल एक बार जाके डॉक्टर से मिलके, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके अपने कुछ टेस्ट पता करने चाहिए। और हर मरीज़ के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि आपको चेस्ट पेन चल रहा है और आप जाके TMT करने लग जाइए, वो कोलैप्स कर सकता है मरीज़ वहाँ पे। तो इसलिए बेटर है कि अपने फिजिशियन से, कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि व्हाट टेस्ट एक्चुअली आर नीडेड। जी सर, और सर ऐसे में जिस तरह से आपने बताया कि कंसल्ट करना चाहिए और अपने डॉक्टर से और बात करनी चाहिए, उनको अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहिए और फिर टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन अभी जो देखा गया है अक्सर जो है कि लोगों के, जिस तरह से आपने बताया कि कोई पेशेंट आपके पास आए थे जो कि स्मोकर थे और उनको फिर हार्ट की डिजीज़ थी, उनको पता ही नहीं चला, और अक्सर लोगों को हार्ट अटैक में पता भी नहीं चलता, बहुत सारे ऐसे जिस तरह से आपने बताया कि एक्सरसाइज करने की वजह से जो है पता चलता है कई लोगों को जब की सांसें फूलने लग जाती है, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो अभी इतने सारे हमने देखा है कि एक्टर एक्ट्रेस के भी आते हैं क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी मेडिसिंस लेते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी ग्रो करे और इसकी वजह से उनको साइड इफेक्ट होता है, तो क्या एक ये भी कारण है कि मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या ज़्यादा हैवी वेट उठाने से या किसी तरह की मेडिसिन या सप्लीमेंट लेने से भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है सप्लीमेंट्स का हार्ट डिजीज़ के साथ, बट अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, जैसे लोग जिम जाते हैं तो अपनी मसल या बॉडी वेट बिल्डिंग के लिए उसमें करते हैं कि आर्टिफिशियल प्रोटीन्स हो गए या स्टेरॉइड्स हो गए, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, उनकी वजह से एक तो शुगर हाई होता है, दूसरा उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये जो सूडो ट्रीटमेंट होता है ये नहीं लेना चाहिए, एक्चुअली नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए। और अगर आपके अंदर हार्ट डिजीज़ पहले से शुरू हो चुकी है और आप बिना कंसल्ट किए अपनी एक्सरसाइज रिजीम शुरू कर देते हैं, हैवी वेट्स करते हैं, तो कोई भी पेशेंट कोलैप्स कर सकता है जिसको पहले से हार्ट डिजीज़ है, वो हार्ट अटैक के साथ आ सकता है। तो अपना अपने आप का जो अपना एक्सरसाइज है, अपना वेट रिजीम है, उसको आप कस्टमाइज़ करिए, पहले आप कंसल्ट कीजिए कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरत है। एज सच हैवी एक्सरसाइज करने से हार्ट डिजीज़ नहीं होती है, हार्ट डिजीज़ बचेगी, बट एरोबिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली है कि हम जब भी बात करते हैं एक्सरसाइज की तो जिम में पहुँच के वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी जाती है, बट सबसे पहले कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं, एरोबिक्स होती है, सिंपल ब्रिस्क वॉक, अगर आप हफ्ते में 5 दिन 6 दिन 30 मिनट्स डेली वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं 30 मिनट में, अराउंड 3 किलोमीटर्स डेली चल रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द हार्ट डिजीज कैन बी प्रिवेंट। जी सर, और ऐसे में अगर कोई पेशेंट है उसको एक होता है कि लास्ट स्टेज का हार्ट अटैक आ रहा है या उसकी इमरजेंसी है, तो ऐसे में अगर फैमिली मेंबर है और किसी को हार्ट अटैक आया है और एकदम से दिल की धड़कन रुकती है, उस टाइम सांसें भी नहीं आती क्योंकि जिस तरह से पेशेंट को देखा गया, तो ऐसे में फैमिली जो है उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए और किस तरह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाने से पहले क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो है हार्ट अटैक, दूसरा है कार्डियक अरेस्ट, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हार्ट अटैक शुरू हुआ है जैसे चेस्ट पेन शुरू हुआ है, तो सबसे पहले जो प्राइमरी ट्रीटमेंट, अगर आपको पता है कि आपको हार्ट की बीमारी थी तो अगर उसमें देख लीजिए, सबसे पहले BP चेक कर लीजिए, एम्बुलेंस अरेंज कर लीजिए, नियर बाय हॉस्पिटल का पता कर लीजिए कि कहाँ पे फैसिलिटी है कि जहाँ पे हार्ट का इलाज हो जाए। उसको सॉर्बिट्रेट की गोली आती है जीभ के नीचे, पेन के लिए रखी जा सकती है, बट बीपी जब कम होता है तो आइडली हम लोग सॉर्बिट्रेट मना करते हैं, उससे आदमी को चक्कर आ सकते हैं, ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, तो सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है। बट ये कुछ चीज़ें जैसे डिस्प्रिन की गोली घोल के पानी के अंदर दे दी जाए, गैस की गोली, अगर गैस ज़्यादा लग रही है तो गैस की गोली दी जा सकती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हार्ट अटैक जब हुआ है तो उसमें ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल में जाए, नियर बाय वहाँ ECG किया जाए, डायग्नोसिस किया जाए कि ये हार्ट अटैक है, और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जब कार्डियोलॉजिस्ट बताए कि इसका इलाज ये होना चाहिए, तो उसको जल्दी से
जल्दी लिया जाए, क्योंकि हमारे पास एक गोल्डन आवर होता है जिसको बोलते हैं, एक घंटे के अंदर या दो घंटे के अंदर मरीज अस्पताल में पहुंच जाए तो जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस को हम रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा होता है कार्डियक अरेस्ट, जब हार्ट आपका रुक गया तो उस कंडीशन में एक CPR करके एक एक्टिविटी होती है जिसको हम प्रोटोकॉल होता है, जो आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स में आके काफ़ी ACLS और BCLS हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना है, कैसे मसाज करना है, ऑक्सीजन देनी है, तो इन सब चीज़ के पॉइंट्स होते हैं। बट ये बेटर रहेगा कि हमेशा जल्दी से नियर बाय हॉस्पिटल में पहुँचें और प्रॉपर उस तरह इलाज लें। जी सर, और अगर सर किसी पेशेंट को सर्जरी तक की बात पहुँच गई या सर्जरी करनी पड़ी, तो अगर हम सर्जरी के बारे में बात करें हार्ट अटैक की, तो वो कितनी तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती है? देखिए, अगर हार्ट अटैक के साथ मरीज पहुँचता है तो सबसे पहले हम उसका ECG करके डायग्नोसिस बनाते हैं कि हार्ट अटैक चल रहा है। तो जब हार्ट अटैक चल रहा होता है तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट, ये हार्ट अटैक नहीं भी चल रहा, मान लीजिए एंजाइना चल रहा है, तो कुछ टेस्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है डायग्नोसिस का जिससे इलाज डिसाइड होता है, उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी, कॉरोनरी एंजियोग्राफी। तो आजकल दो तरीके से एंजियोग्राफी की जा रही है, एक CT स्कैन एंजियोग्राफी, एक जो हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट जो एंजियोग्राफी करते हैं। डे केयर प्रोसीजर होता है, 10 मिनट का टेस्ट होता है, बट वो 100% डायग्नोस्टिक होता है कि आपके हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस है कि नहीं है। तो अगर एक ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक के टाइम चल रही है, तो बेस्ट इलाज है कि उस नस को वायर डाल के बलून से खोल के उसमें अगर कोई क्लॉट है तो क्लॉट को निकाल लिया जाए और उसके अंदर एक स्टेंट डाल दिया जाए। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है। जैसे मैं बता रहा था कि हार्ट अटैक का जो ट्रीटमेंट है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कि नस को खोल दिया जाए जल्दी से जल्दी, गोल्डन आवर के अंदर, एक घंटे के अंदर, दो घंटे के अंदर, और उसके बाद अगर बहुत सारी ब्लॉकेजेस आती है तो एक बाईपास सर्जरी करके सर्जरी होती है जिसमें हम नसों को बाईपास कर देते हैं। एक ये भी 4 से 6 घंटे का ऑपरेशन होता है, बट इसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रेट्स नहीं है, इसकी सक्सेस जो है 99.5% या 99.6% सक्सेस रेट भी है। आजकल मिनिमल इन्वेसिव कार्डिक सर्जरीज हो रही है, जैसे हम लोग साइड इंसिजन से सर्जरी होती है हमारे यहाँ पे, तो काफ़ी सारे इसके उपचार दवाइयों के अलावा। बट जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, सबसे पहले एंजियोग्राफी होनी चाहिए, ब्लॉकेजेस ढूंढना चाहिए कितनी ब्लॉकेजेस हैं, अगर 3 या 4 से ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं तो बाईपास भी की जा सकती है, स्टेंट भी डाला जा सकता है, और अगर एक नस में ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक चल रहा है, तो उसमें जल्दी से वायर डाल के बलून करके हम उस ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। जी सर, ब्लॉकेज की बात करिए तो आपने जिस तरह से अगर देखा गया है कि अभी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि बिना ऑपरेशन के इसका मतलब इलाज करते हैं ब्लॉकेज को क्लोज करने, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर देखिए, हर पेशेंट अलग है, हमें कस्टमाइज करना है ट्रीटमेंट को, हमें ये देखना है कि इस मरीज़ को क्या चाहिए। बट अगर आप हार्ट अटैक के साथ इमरजेंसी में पहुंचे तो वो दवाइयों से इलाज नहीं हो सकता, उसका बेस्ट इलाज वही है जो मैंने अभी बताया कि उस नस को खोल दिया जाए। अगर बहुत क्रिटिकल ब्लॉकेजेस है, मोर देन 80% और पेशेंट को दवाइयों के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा है, या हम उसका दवाइयाँ दे के फिर हम उसका TMT टेस्ट कराते हैं, अगर वो भी स्ट्रांगली पॉजिटिव आ रहा है, खराब आ रहा है, तो हमें फिर स्टैंडर्ड जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है जिससे आगे की कॉम्प्लिकेशंस बचती है, हार्ट का फंक्शन नहीं गिरता है, वो करना चाहिए। और वो जो एक्चुअल इलाज है वो बाईपास सर्जरी है या फिर स्टेंटिंग है, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि रिंग डालना या आर्टरी को खोल देना स्टेंट की वजह से। जी सर, बाईपास सर्जरी को सर किस तरह समझे, अगर क्या उसमें हार्ट जो है वो बदल दिया जाता है या किस तरह से होती है बाईपास सर्जरी? बाईपास सर्जरी में हार्ट बदला नहीं जाता है, बाईपास सर्जरी में नसें, जो दूसरी नसें होती हैं, जिन नसों में ब्लॉकेजेस हैं, उस सर्जरी में हम चेस्ट को ओपन करके, ये 4 से 6 घंटे की सर्जरी होती है, जो एक टांग से नस निकाल के या चेस्ट में से नस निकाल के उस ब्लॉकेज को बाईपास कर दिया जाता है। तो एक तरह से हम नया रूट बना देते हैं ब्लड सप्लाई जाने का हार्ट में, बट इसमें हार्ट नहीं रिप्लेस किया जाता। और आज के लिए बीटिंग हार्ट सर्जरीज होती हैं, हार्ट को रोका नहीं जाता है, हार्ट चलता रहता है और उसके ऊपर सर्जरी की जाती है। आजकल हमारे हॉस्पिटल में खासकर हम लोग सेंट्रल इंसिजन से सर्जरी नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ द सर्जरी जो है हमारे यहाँ दे आर डन विद साइड इंसिजन, विच वी कॉल MICS सर्जरी। जी सर, और इस ऑपरेशन को कराने के बाद क्या लोगों को किसी तरह की परेशानी होती है या उनको किसी तरह का परहेज करने के लिए बोला जाता है? परहेज तो देखिए, चाहे एंजियोप्लास्टी की जाए या दवाइयों पर रखा जाए या बाईपास किया जाए, तो परहेज तो पूरी लाइफ करना पड़ेगा। अगर हम परहेज नहीं करेंगे तो हर चीज़ खराब हो जाएगी, जो पुरानी ब्लॉकेजेस हैं वो बढ़ सकती हैं, स्टेंट बंद हो सकते हैं, बाईपास सर्जरी जो इतनी मेजर सर्जरी है वो की जाए वो खराब हो सकती है। तो 99.8% पेशेंट्स को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, वो आराम से बाईपास के बाद निकल आते हैं, हॉस्पिटल से चल के जाते हैं घर अपना, 6-7 दिन हॉस्पिटल का स्टे होता है, 1 महीने के अंदर कंप्लीट रिकवरी हो सकती है, वो ड्राइव कर सकते हैं, नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी का ये फायदा होता है, जिसको हम स्टैंडिंग बोलते हैं, उसमें आप 2 दिन में डिस्चार्ज हो सकते हैं, प्रोसीजर 1 घंटे का है, बट एंजियोप्लास्टी की इंडिकेशंस अलग हैं,
बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, मेन आर्टरी में ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट का फंक्शन कम है, शुगर है, तो उन केसेस में हम बाईपास प्रेफर करते हैं। जी सर, जब आपने एंजियोप्लास्टी की बात करी है तो ऐसे में एक सवाल ये भी होता है कि क्या एक बार कराने के बाद दोबारा ये सर्जरी करवाई जाती है? 99% केसेज में स्टेंट बिल्कुल सही चलते हैं। अगर 6 महीने स्टेंट कोई भी चल गया है तो वो ऑलमोस्ट पूरी लाइफ स्टेंट चलते रहते हैं। बट ये हमारी लाइफ स्टाइल पर भी डिपेंड करता है। अगर आप दवाइयाँ रोक देंगे, फॉलोअप्स नहीं करेंगे, चिकनाई खाते रहेंगे, बीपी आप अपना मेंटेन नहीं करेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा और आपका वजन बढ़ता जाएगा, आपने एक्सरसाइज छोड़ दी है, तो कोई भी स्टेंट बंद हो सकता है। तो एंजियोप्लास्टी कोई भी फेल हो सकती है, बट इसमें पेशेंट और डॉक्टर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर फॉलोअप्स इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, डाइट, एक्सरसाइज शेड्यूल, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, और एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने बताया कि किन किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, और आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं और जो ऑबेसिटी के मरीज़ होते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसे में सर अभी एक न्यूज़ भी है कि जिस तरह से केदारनाथ अभी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में ठंड की वजह से दो जो लोग हैं उनको हार्ट अटैक आ गया, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि ठंड के टाइम पर जो है ऐसे लोगों को बच के रहना चाहिए या उनकी अपनी उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनकी नसों में ब्लॉकेजेस हैं, तो वो जब अगर एक्सट्रीम कोल्ड में चले जाते हैं तो जो ब्लड का फ्लो होता है और स्लो हो जाता है, आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है जिसको स्पैज़म बोलते हैं, तो फ्लो कम होगा उस ब्लॉकेज के ऊपर, तो डेफिनेटली हार्ट अटैक पड़ सकता है। तो ये लोग जो ठंड की तरफ जो यात्रा के लिए जाते हैं, अमरनाथ यात्रा हमारे पास आते हैं, तो हम लोग उसका पहले स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, छुपी बीमारी को ढूंढना होता है स्पेशली डायबिटिक्स में। तो अगर TMT पॉजिटिव आता है तो फिर उनको अलाउ नहीं किया जाता, परमिशन नहीं मिलती कि आप वहाँ जाइए, पहले इलाज कराइए अपना। तो ठंड से डेफिनेटली बच के रहना है, और एक्सट्रीम एकदम से रैपिड एक्सरसाइज नहीं करनी है कि आप ठंड में थे, आपने पहले कभी कोई एक्सरसाइज करी नहीं और एकदम से आप चढ़ गए ऊपर हाइट पे, तो वो चीज़ बड़ी घातक हो सकती है और एकदम से हार्ट अटैक पड़ सकता है। सर, अगर देखा जाए तो अभी जिस तरह से कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और अगर जो है कोरोना की जब सेकेंड वेव आई थी और फर्स्ट वेव में जो हार्ट अटैक के मरीज थे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उनके इलाज में, तो ऐसे में उस वक्त आपको जिस तरह से आपके पास पेशेंट आ रहे होंगे या आपको इलाज में उस तरह देखा जाए तो पेशेंट को लेकर क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा था? कोरोना की वजह से हार्ट अटैक्स ठीक बढ़ गए थे, काफ़ी लोग जो स्टैग्नेंट थे, बैठे रहे थे एक जगह, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, खाना पीने से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहा, हार्ट की बीमारी बढ़नी शुरू हो गई थी 2-2.5 साल के बाद, लोग तब आना शुरू हुए थे, एक्सरसाइज बंद हो गई थी बिल्कुल। बट हम लोगों ने ऐसा नहीं कि कोरोना के काल जब कोरोना चल रहा था तो हार्ट अटैक के साथ कोई आता था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। जैसा हम पहले इलाज कर रहे थे वो वैसे ही इलाज कर रहे थे। हाँ, कोरोना की वजह से टांगों में क्लॉट्स बनना, लंग्स में क्लॉट बनना काफ़ी केसेस में देखे गए थे, जो जिसका इलाज उपलब्ध है और बड़े आसानी से उसका इलाज किया जा सकता है। जी सर, और ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जो अगर ये सर्जरी की बात करें तो इसमें कितना खर्चा आता है और लोगों को कहाँ से करवाना चाहिए और कैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए सर्जरी के? अगर हम एंजियोप्लास्टी की बात करें, स्टेंटिंग की बात करें, तो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक के बीच में एक स्टेंट का खर्चा आता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, डिपेंडिंग कि कहाँ पर कराया जा रहा है। और अगर सरकारी अस्पताल की बात करें, गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं, तो वहाँ पे भी स्टेंटिंग होती है, वहाँ कॉस्ट ऑफ स्टेंट देना पड़ता है या 25,000 या 35,000, जो जिस तरह का आप स्टेंट डालते हैं, वहाँ प्रोसीजर कॉस्ट नहीं लगती है। दूसरा, अगर आप बाईपास सर्जरी की बात करें तो बाईपास सर्जरी जैसे हमारे हॉस्पिटल में 2.25 लाख से लेकर 3.5 लाख, 3 लाख तक की होती है, डिपेंड करता है पेशेंट की कैटेगरी क्या है, हाई रिस्क पेशेंट है, हार्ट का फंक्शन कितना है, और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कहीं पहले उसको स्ट्रोक तो नहीं हुआ, पैरालिसिस तो नहीं है ना, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बट यूजली 2.5 से 3.5 लाख के बीच में हर अस्पताल में, दिल्ली में खासकर, सर्जरी बाईपास हो जाती है। जी सर, और सर जो हमारे दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि हार्ट की बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है, यंग लोगों में खासकर बढ़ रही है, और अब विमेन जो औरतें हैं वो भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, सबको हार्ट डिजीज आ रही है, तो ये एपिडेमिक है और हम लोग वोल्केनो पे बैठे हुए थे। नाउ अब ये वोल्केनो एक तरह से जो ज्वालामुखी, अब ये फटना शुरू हो गया, स्पेशली कोविड की जो स्टेग्नेंसी के बाद। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ स्टाइल को ध्यान रखें, अपने वजन का ध्यान रखें, अपनी वेस्ट लाइन का ध्यान रखें कि आपकी कमर का साइज़ बढ़ तो नहीं रहा है, आपके कपड़े टाइट तो नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपका वजन बढ़ रहा है। कीप ए वॉच ऑन योर वेट। दूसरा, अपना एक्सरसाइज कीजिए, डेली वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 से 40 मिनट की डेली वॉक कीजिए, करीब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो उससे अपना वजन को नियंत्रण में रख सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है डाइट। डाइट में फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं डेली, 3 से 4 सर्विंग्स लें, हेल्दी खाना खाएं, कार्ब्स जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, जो इंडियंस में बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पे तीनों टाइम रोटी चाहिए हमें, रिफाइंड आटा खाते हैं हम लोग, मैदा बहुत प्रचलित है, छोले भटूरे हो गए या स्नैक्स हो गए, नमकीन हो गया, बिस्किट्स हो गए, ये सारी चीज़ें बड़ी घातक है, इनसे शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, वजन बढ़ता है, जो कि सारी चीज़ों की जननी है।
चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, अपने टेस्ट कराते रहें, अपने टेस्ट में देखें कि कोलेस्ट्रॉल कैसा है आपका, शुगर कैसा है, HbA1c 3 मंथ्स का एवरेज ज़रूर देखें शुगर के मरीज़ों को, अपने BP को मॉनिटर करते रहें। BP जो आइडियल BP किसी के लिए होना चाहिए वो 125-85 से नीचे, आइडियल 120-80 से नीचे होना चाहिए, या जो एल्डरली लोग हैं 80 साल 75 साल के उनके लिए 140-90 से भी नीचे चलेगा। शुगर की वैल्यू उस पर ध्यान रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही, अगर हम इनको ध्यान रखेंगे तो हम अपनी हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप आदिनाथ टीवी की तरफ जुड़े और आपने इतना कुछ हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से उसके लक्षण और किस तरह से ट्रीटमेंट हार्ट अटैक का करवाना चाहिए। थैंक यू। तो दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर संजीव गेरा थे जिन्होंने हमें हार्ट अटैक के बारे में बताया, दिल के दौरे के बारे में बताया कि किस तरह से इसके लक्षण जो है वो पता चलते हैं और कैसे आपको इसका इलाज और ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो अगली बार अगले कार्यक्रम में हम फिर नए बीमारी के बारे में बात करेंगे और उसके ट्रीटमेंट और उपचार के बारे में जानेंगे। तो दर्शकों अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए आदिनाथ TV चैनल। जय जिनेंद्र।